माय किसान दोस्त यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका किसान दोस्त या जाट। और दोस्तों, हर किसान का एक सपना होता है कि उसका खुद का ट्रैक्टर हो ताकि समय पर वो कार्य कर सके और अच्छा पैसा खेती करके कमा सके। और ये सपना होना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में बीज बोने से लगाकर फसल को मंडी ले जाने तक के सारे कार्य ट्रैक्टर द्वारा किए जाते हैं। ऐसे स्थिति में जब भी किसान भाई ट्रैक्टर खरीदने कि सोचता है तो उसके सामने सबसे पहला सवाल यही आता है कि आज भारत ने 10-15 तरीके की अच्छी ब्रांडेड कंपनियां ट्रैक्टर अपने लॉन्च कर रखे हैं, तो कौन सा ट्रैक्टर खरीदें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि कौन सा ट्रैक्टर मैं खरीदूं। लेकिन दोस्तों, ये सवाल जायज है, लेकिन इससे पहले एक सवाल और जायज है। वो सवाल ये है कि क्या मैं ट्रैक्टर खरीदूं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों कि क्या उसको ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। अगर उसको वास्तविकता में आवश्यकता है तभी ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, अगर उसको आवश्यकता नहीं है तो किसान भाइयों को ट्रैक्टर नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि यदि वो ट्रैक्टर खरीदेंगे तो कम से कम सिर्फ ट्रैक्टर से कुछ काम नहीं होगा। ट्रैक्टर 5-7 लाख का आपका ट्रैक्टर आएगा, उसके साथ दूसरे इम्प्लीमेंट करके आपको 10 से 12 लाख रुपये का खर्चा आएगा। उसके बाद उसको रखने की जगह वगैरह ये सारी समस्या आएगी। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका किराए से काम चल जाता है या फिर आपका ट्रैक्टर कम काम पड़ता है तो आप ट्रैक्टर ना खरीदें, आप किराए से मंगवा कर अपना कार्य कर लें। लेकिन यदि आपको आवश्यकता लग रही है कि नहीं यार हो जाएगा, और आवश्यकता लग रही है या नहीं लग रही इसका टेस्ट करने के लिए आपको कम से कम ट्रैक्टर कितने घंटे चलेगा उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सोचना होगा। यदि आप 400 घंटे प्रति वर्ष के लगाकर 1500 घंटे जितने भी आप चला सको, यदि इतना आपका ट्रैक्टर चलता है या इतने घंटों की आपको आवश्यकता है ट्रैक्टर की, तभी आपको ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। यह सबसे बड़ा सवाल रहता है। नहीं तो फिर होता क्या है कि फिर किसान कर्ज में आ जाता है, फिर उसको ट्रैक्टर बेचना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे ट्रैक्टर नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल सोच समझ के अगर आवश्यकता हो तभी ट्रैक्टर किसान भाइयों को खरीदना चाहिए। और ट्रैक्टर खरीदने से पहले एक थोड़ी सी ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए, जो भी आपका बजट बन रहा है, मान लीजिए कि आपका बजट 10 लाख का है, 10 लाख में आपको सामान खरीदने हैं, तो कम से कम आपके पास 70% पूंजी यानी 7 लाख रुपये आपके पास होने चाहिए। उसी के बाद आपको आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। फिर आता है दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि मैं ट्रैक्टर कौन सा खरीदूँ। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, हर किसान के अंदर रहता है, मेरे अंदर भी काफ़ी टाइम से रहा कि कौन सा ट्रैक्टर खरीदूँ कौन सा ट्रैक्टर खरीदूँ, इस तरीके का चलता रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इस सवाल के जवाब के लिए आपको कहीं जाना नहीं, खुद सोचना है। और दूसरे, आज की तारीख में जितने भी ट्रैक्टर आ रहे हैं सारे ट्रैक्टर बेस्ट हैं, किसी में कोई बुराई नहीं होती है। ऐसा नहीं कि यार ये ट्रैक्टर बुरा है, कोई भी ट्रैक्टर बुरा नहीं होता है, बस अलग अलग जगह के हिसाब से ट्रैक्टर अलग अलग सेटेबल रहते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्रैक्टर लूँ इसका डिसाइड करने से पहले, यदि आप 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं तो उससे पहले आपको 2-5 हज़ार रुपये का खर्चा और करना है। खर्चा इसलिए करना है क्योंकि आपको सर्च करना है, सर्वे करना है। सर्वे किन चीज़ों का करना है दोस्तों? सर्वे ये करना है कि सबसे पहले तो आपका एरिया आपको देखना है। ट्रैक्टर खरीदने से पहले आपके एरिया में विजिट करिए, 50-100 किलोमीटर तक जाइए, देखिए आपके एरिया में कौन कौन सी कंपनियों के ट्रैक्टर चल रहे हैं और कितने समय से वो ट्रैक्टर चल रहे हैं। आपके वहाँ ज़मीन कैसी है, कड़क ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है, ढलान वाली है, चढ़ाई की ज़्यादा जगह है, इस तरीके से आपको देखना है कि आपकी ज़मीन कौन सी है, फिर आपको ट्रैक्टर डिसाइड करना है। फिर आपको कुछ किसानों से भी मिलना है जो पिछले 4-5 सालों से ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनको भी देखना है कि वो कौन से ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनके कौन से ट्रैक्टरों से ज़्यादा बेनिफिट हुआ, कौन से ट्रैक्टरों में ज़्यादा पार्ट्स टूटने की शिकायत आई, ये सारी चीज़ें आपको सोचना पड़ेगी। उसके बाद आप देख लीजिए कि कम से कम हर एक क्षेत्र में मेरे हिसाब से 10 से 15 तरह की ट्रैक्टर चलती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन से ट्रैक्टर चल रहे हैं, नए कौन से ट्रैक्टर आए हैं, ऐसे करके आप 2 या 4 ट्रैक्टरों की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि भैया हमें इस 4 कंपनियों के ट्रैक्टरों में से सोचना है। फिर आपको देखना है कि आप उस ट्रैक्टर का कहाँ इस्तेमाल करने वाले हो, उससे आप रोटावेटर चलाएंगे ज़्यादा या फिर कल्टीवेटर चलाएंगे या फिर बुहाई का काम करेंगे या फिर फसल गहाई का काम करेंगे, क्या आप करना चाहते हैं ये आपको सोचना ज़रूरी है। और ज़्यादा क्या करेंगे, खुद का काम करेंगे या फिर किराए चलाएंगे या फिर कहीं रोड वगैरह के जो है तालाब बन रहे हैं मिट्टी डालने का काम करेंगे, मतलब लोडिंग का काम करेंगे या फिर खेती में करेंगे, ये सारी बातें आपको सोचना है। उसके बाद आपको ये सोचना है कि आपको कितने HP का ट्रैक्टर चाहिए।
कितने हार्स पावर का, आपका काम 35 हार्स पावर से हो जाएगा, या फिर 42 हार्स पावर का आपको ट्रैक्टर चाहिए, या फिर 50 हार्स पावर का चाहिए। ऐसे करके जो आपने ट्रैक्टर सिलेक्शन की है उनमें से उस हार्स पावर को आपको निकालना है कि भैया ये 40 42 42 हार्स पावर के हमने 4-5 ट्रैक्टर डिसाइड कर लिए। अब वो करने के बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि आप उनके शोरूम की तलाश करना कि आपके आसपास में शोरूम कहाँ पर है। शोरूम तलाश करने के बाद उसकी सर्विस सेंटर की तलाश करनी है कि उसके सर्विस सेंटर भी अवेलेबल है कि नहीं है पास में। ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ट्रैक्टर जो कभी भी मिस्टेक करता है, ख़राब होता है, वो खेतों में होता है, ना कि बाज़ार में जाके होता है, या ना कि किसी बड़ी सिटी में जाके ट्रैक्टर ख़राब होता है। अक्सर खेतों में काम करते वक्त कोई भी पार्ट्स वगैरह टूट जाता है, वहाँ ख़राब होता है। तो क्या आपको वहाँ से पार्ट्स अवेलेबल हो पाएगा, कितनी दूरी पर है? मेरे हिसाब से 50-25 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर पार्ट्स अगर मिलता है तो फिर वो ट्रैक्टर नहीं लेना चाहिए। कम से कम 25 किलोमीटर तक चल जाता है, क्योंकि खेतों में अगर ट्रैक्टर खड़ा है और आप 25 किलोमीटर जाके पार्ट्स ला के या उसको रिपेयर करवा देते हैं तब तक ठीक है, लेकिन आपको पता चले 200 किलोमीटर दूर उस सिटी में पार्ट्स मिलेगा, तब जाके ट्रैक्टर लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ट्रैक्टर 4 दिन भी खड़ा रहता है तो फिर आपको नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में एक तो पार्ट्स को आपको क्लियर करना है कि इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत सारे न्यू ट्रैक्टर्स भी मार्केट में है, लेकिन बहुत सी बार होता क्या है, उनके शोरूम बहुत दूर होते हैं या फिर सर्विस सेंटर बहुत दूर होते हैं, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, इस कारण से किसान को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक तो ये पार्ट्स वाला आपको क्लियर करना है कि पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। उसके बाद सर्विस सेंटर का मैंने बता ही दिया आपको। ये चीज़ें होने के बाद आप क्या करना है, आपको शोरूम पर जाना है। शोरूम पर से 4 ट्रैक्टर मान लो आपने डिसाइड किया तो चारों शोरूम पर जाना है, उनकी प्राइस लेना है सारी ऑन रोड, साथ में इंश्योरेंस, ये सारा जोड़ के आपको लिख के लाना है। भैया इस ट्रैक्टर की कीमत 7,53,000 है, या 5 लाख है, या 10 लाख है, या 7 लाख 8 लाख जो भी है। उस भैया मान लो 42 HP का आप ले रहे हो तो 42 HP वाले ट्रैक्टर के सारे के वो आपको प्राइस क्लियर करना है, प्राइस का कंपेयर करना है। फिर वहाँ से फिर आपको उसका RPM कंपेयर करना है, लिफ्ट कैपेसिटी कंपेयर करना है, और साथ ही एक चीज़ और कंपेयर करना है कि नई टेक्नोलॉजी, चारों चार ट्रैक्टर आपने चूज़ किए हैं तो चारों में से किस में नया अपडेट आया है, किस में नई टेक्नोलॉजी आई। होता क्या है दोस्तों, कई बार अपने एरिया में जो ट्रैक्टर चलते आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर कंपनियाँ ऐसी हुई जिनमें अभी तक अपडेट इतना नहीं हो पाया, तो अपडेट भी देखना है कि उन ट्रैक्टरों के अंदर क्या नया आया है, क्या टेक्नोलॉजी आई है, क्योंकि आने वाले समय में लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, काम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी का भी आपको क्लियर करना है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, ऐसे करके आपको डिसाइड करना है। जब आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको ये देखना है कि इनके साथ आप रोटावेटर लगा रहे हो, थ्रेशर लगा रहे हो, वो आपको अवेलेबल कहाँ पर हो जाएंगे, उनके पार्ट्स कहाँ मिल जाएंगे, वो चीज़ें भी आपको देखनी है। कितने HP के साथ कितने कौन सा कृषि उपकरण आपको अटैच करके चलाना है, ये सारा क्लियर कर लेना है, और फिर इन सब की रेट मिला लेनी है। रेट मिलाने के बाद फिर मार्केट सर्वे आपको सामने आ ही जाएगा कि इन दोनों, फिर दो ट्रैक्टर उनमें से चूज कर लो, इन दोनों ट्रैक्टरों में से कौन सा लेना है, फिर उनकी बारीकियों से जाँच कर लो। और थोड़ा ये भी देखना है कि वो जो भारत सरकार का बुधनी टेस्टिंग है MP में, वहाँ अप्रूव्ड है कि नहीं, वहाँ की क्या रिपोर्ट है। कुछ चाहो तो वहाँ जाके जानकारी लेने की कोशिश करो, या फिर किसी एग्रीकल्चर इंजीनियर से पूछ लो कि भैया इस ट्रैक्टर का क्या रहा रेट वगैरह, वहाँ के क्या RPM वगैरह में कैसे रहा, अप्रूव्ड हुआ या फेल हुआ, ये सारी चीज़ें भी आपको देखना है। उसके बाद दूसरी है कि भैया जो न्यू कंपनी है या फिर जो ओल्ड कंपनी है वो कितनी सक्सेस है, किसान उसको कितना सक्सेस मानते हैं, अपने खेतों के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से हमेशा ट्रैक्टर को डिसाइड करना चाहिए। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जिसे किसानों को नोटिस करना चाहिए, उसका मेंटेनेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें करके ट्रैक्टर के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आप अगर थोड़ी सी नोटिस करोगे, सर्वे करोगे, तो सब जाके आपको क्लियर हो जाएगी, और क्लियर हो जाए तो फिर फाइनल करके कोई भी ट्रैक्टर आप खरीद सकते हो। बस एक डिसीजन थोड़ा सा ध्यान से लेना रहता है, ट्रैक्टर कोई भी बुरा नहीं रहता है, बस अपना काम और अपना मेंटेनेंस और अपन कहाँ चलाएंगे क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को देखकर ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। बस अगर मैं और भी बताऊँगा तो वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। और दोस्तों जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करने के साथ साथ अन्य किसानों को शेयर करिएगा, शायद उनको डिसीजन लेने में मदद हो पाए।
और यदि इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट ऐसा करिए ताकि दूसरे किसानों को भी उसका फ़ायदा हो सके। दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय भारत, जय किसान।